Hello students, so now that moment has come for which you have prepared for the last 2 years, in fact more than 2 years, और multiple times दे चुके हैं, specially pandemic के situation में prepare करा है. First of all, I applaud you for the preparation, hard work that you guys have done in this tough time. पर सर tension हो रही है सर, result नहीं आया तो क्या होगा, है ना? सबसे पहले I will prove you wrong here कि आप लोगों ने result नहीं produce करा है. According to me, you all are already successful. Sir, क्या बोल रहे हो सर, रिजल्ट नहीं आया है, percentile खराब आ रही है. Success हमेशा अगर हम रिजल्ट से ही मेजर करते तो यार आप दुनिया में कोई भी मल्टी कॉर्पोरेशन देख लीजिए, मल्टी नेशनल कंपनी देख लीजिए, वो एग्जिस्ट नहीं करती. जरूरी नहीं है द फर्स्ट टाइम दैट यू ट्राई यू विल हिट द जैकपॉट. डेफिनेटली इट इज one of your very very important moments of your career, but it is not the last by any measure. आपको जीवन में बहुत सारी opportunity मिलने वाली हैं, पर सबसे important चीज जो आप लोगों ने अभी सीखी है but आप उसको result के चक्कर में भूल जाएंगे और आगे जो multiple opportunities that you are going to get in life, आप फिर से वही हरकत करेंगे जो आपने IIT के साथ करी है अगर आप सिर्फ result पे focus करते रहे. Now, let me prove you how you guys are super successful already. क्यों आप successful हैं? आपसे एक question पूछता हूं and do let me know in the comment section how do you feel about it. All of you have worked really hard in the last 2 or 2.5 or 3 months. Just imagine if you have done the same kind of effort that you have put in the last 2.5 or 3 months. You have done it for the last 2 years of your life. क्या रिजल्ट आता, लिख के बताओ मुझे कमेंट. डेफिनेटली अ लॉट ऑफ यू वुड से सर फोड़ देता मैं पेपर. यही सबसे बड़ी लर्निंग है. आपको लाइफ में आगे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे. आप प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे, आप कैट की तैयारी करेंगे, जीआरई, जीमैट, गेट, बहुत सारी चीजों की तैयारी करेंगे. बट अब मैं वो गलती नहीं करूंगा कि मैं लेट स्टार्ट करा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, मैं लेथार्जी बना रहा. ये गलती मैं अब नहीं करूंगा. ये सबसे बड़ी लर्निंग है. आप ये स्कोर के चक्कर में ये भूल जाएंगे कि आप सच्ची में टैलेंटेड हैं. टैलेंट सिर्फ स्कोर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है. आप टाइम देते हैं अगर किसी चीज को तो मैं भी काम कर सकता हूं, मैं भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट आई हैव टू गिव टाइम टू इट. आप सोचे मैं हर कॉम्पिटिशन में उतरूंगा और लास्ट के 2 महीने में जागूंगा और रिजल्ट प्रोड्यूस कर दूंगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. और फिर रिजल्ट को दोष दूंगा कि उसने मेरा को प्रूव कर दिया कि मेरे में पोटेंशियल नहीं है. सच्ची में स्टूपिड है. ऑल ऑफ यू हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल विच यू नाउ नो दैट यू हैव. डू नॉट लेट इट गो बिकॉज ऑफ जस्ट अ सिंगल रिजल्ट एट अ सिंगल एग्जाम. टेक द कॉन्फिडेंस, मैं मेहनत कर सकता हूं, मेरे में दिमाग है, मैं सिर्फ लेट हो गया यार. मेरे को यही काम अगर मैं 2 साल करता ना तो मैं रिजल्ट बना लेता. अब ये गलती पर नहीं करूंगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. अब ये गलती नहीं करूंगा, चाहे मैं Tier 1 कॉलेज में बैठा हूं, चाहे मैं Tier 2, चाहे मैं Tier 3 कॉलेज में बैठा हूं. अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी लाइफ में, बट उतनी ही जल्दी हम उन्हें गिवअप भी करेंगे और छोड़ देंगे. वो मैं गिवअप नहीं करूंगा. ठीक है, कमिंग टू द पेपर गाइस, जिन जिन लोगों का एग्जाम कल है, जो भी शिफ्ट में है, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. टाइम मैनेजमेंट पे काम करिएगा. सब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन लेवल पे भी टाइम मैनेजमेंट करनी है. फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट लेवल केमिस्ट्री 30 मिनट तो 30 मिनट, फिजिक्स 1 घंटा, मैथ्स 70 मिनट. पहले अटेम्प्ट में यही करना है. आपके 15 क्वेश्चन हुए हैं, फिजिक्स में 60 मिनट्स हो चुके हैं, अब तो सर लग रहा है 85 मिनट्स लग जाएंगे फिजिक्स में. नहीं, फिजिक्स छोड़िए, मैथ्स पे बढ़िए. सब्जेक्ट लेवल टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. फिर क्वेश्चन लेवल टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है कि हम पहले देख लें, 3 मिनट के बाद दिमाग में टन 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 होनी शुरू हो जानी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है या नहीं, डिसाइड करना शुरू कर दो. लगता है नहीं ये अभी भी हो जाएगा, 1 मिनट और दो, 4 मिनट होते ही क्वेश्चन को छोड़ दो, उससे ज्यादा टाइम हम एक क्वेश्चन पे नहीं देंगे. सर मेरी स्पीड स्लो है, क्या करना चाहिए? स्पीड की प्रॉब्लम ही नहीं है जेईई मेंस में. आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 75. जिनकी स्पीड की प्रॉब्लम है वो 75 क्वेश्चन वैसे भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे. 50 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स, टफ है क्या यार? केमिस्ट्री भी है जिसमें टफ, 50 क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाना नहीं है. जो 25 क्वेश्चन बचे
उन पे जो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा देते हैं ना वो बचाना है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन पता चल गया जो आपसे नहीं होना है उसके ऊपर कम टाइम लगाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आपको अगर आप बचा के ले गए वो 50 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे क्योंकि आप उनके ऊपर रेलेवेंट टाइम दे देंगे। अंडरस्टूड गाइस? पेपर में सर 5 क्वेश्चन लगातार नहीं हो रहे हैं, सर बहुत नर्वसनेस हो रही है, रिजल्ट के सपने आ रहे हैं, लग रहा है जीवन खराब हो गया। यार पेपर में इजी भी होता है, मीडियम भी होता है, टफ भी होता है, ये प्रूव कर रखा है हमने हर स्टैटिस्टिक डेटा के साथ। अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी वीक थी जिसमें आपको 5 लगातार टफ आ गए तो उल्टा सोचना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 इजी भी एक साथ आएंगे। तो इसलिए छोड़ना नहीं है क्योंकि पेपर की वेटेज वही रहनी है, सिर्फ जंबलिंग चेंज हुई है। कईयों को वो क्या होगा, 2 आसान, 2 मीडियम, 1 डिफिकल्ट, बिल्कुल सजे हुए फॉर्मेट में आएंगे। तुम्हारे लिए 5 टफ आ गए तो भैया 5 ईजी भी कहीं ना कहीं आए होंगे। That's what you have to think. Another strategy to bump yourself up is पेपर ही टफ आया है, पेपर में मान लो पेपर ही टफ आया, पेपर ही टफ आया सर क्या करूं, ठीक है। फिर पेपर में जब मेरी कंसेंट्रेशन खराब हो जाती है सर, फोकस खराब हो जाता है 2 घंटे बाद, क्या करना चाहिए? मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं, 3 ब्रेक स्ट्रैटेजी बताई है, 1 घंटे बाद, 1 घंटे 40 मिनट बाद, 2 आवर 20 मिनट्स बाद, 15 से 20 सेकेंड्स की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना है, मोमेंटम गेन करना है, पॉजिटिव सोचना है, मैं कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा, आखिरी मिनट तक प्रूव करूंगा कि मैं गिवअप नहीं करूंगा और करके रहूंगा। ईगो क्वेश्चन पे नहीं है, अपने साथ है, क्वेश्चन के साथ नहीं है, क्वेश्चन को तो वही देना है जो कर सकता हूं वही करूंगा। ब्लॉक स्ट्रेटेजी, सर मैं कौन सा पहले सब्जेक्ट करूं, क्या करूं, कुछ नया ट्राई नहीं करना है, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं। आपने जितने मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें जो आपकी मोस्ट कंफर्टेबल स्ट्रेटेजी रही है, आपकी जिस सब्जेक्ट ऑर्डर को फॉलो करके आपका रिजल्ट बनता आया है वही हम लोग फॉलो करेंगे। नो नीड टू चेंज और फॉलो एनी न्यू स्ट्रेटेजी एट द लास्ट मोमेंट। बट सर मेरा एग्जाम 31st को है, 1st को है, अब क्या करूं? 2-3 मॉक और दे डालो, घबराने की जरूरत नहीं है। सर मेरा कल है पर पेपर की पढ़ाई हो गई, एंजॉय मारो, रिलैक्स करो। सर एंग्जाइटी हो रही है, किस बात की एंग्जाइटी, पहले ही इतना बाबा ज्ञान दे चुका हूं, रिजल्ट को मारो लात, चिल मारो, मैं मेहनत कर सकता हूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की वजह से। ऑल्सो मेक श्योर कि हम जो लर्निंग्स हैं उसे याद रखें, शेयर करें। मुझे आपसे चाहिए कि आपका पेपर अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो मुझे जरूर बताएं आपकी फीलिंग्स कैसी रही, पेपर कैसा गया, अच्छा बुरा, क्या सीखा आपने अपने इस 2 साल की जर्नी में, प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप शेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक आप हेल्प नहीं मांगेंगे, जब तक आप नेटवर्किंग कहते हैं आगे चल के आप इस बात को समझेंगे, जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। कॉलेज में जाके सीखना है ना, मैं अभी सिखा रहा हूँ, आप हमारे साथ संपर्क बनाएंगे, हम आपके साथ बनाएंगे, कॉलेज में भी हेल्प करेंगे, वो तभी जब आप आगे बढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी सॉल्यूशन भी आएंगे, घबराना क्या है, ठीक है। तो पेपर फोड़ना है, पेपर पढ़ना नहीं है, कंप्यूटर नहीं तोड़ना है जाके, रिलैक्स, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, यू विल गेट योर डिजर्व्ड परसेंटाइल व्हाट एवर इट वुड बी। हो सकता है आपको सेटिस्फाइड ना हो आप अपने परसेंटाइल से, बट ये भी याद रखिए हो सकता है इसका मतलब किसी और ने आपसे ज्यादा मेहनत मारी। सिंपल फंडा, मैं शायद थोड़ा लेट जागा बट अगली जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना मैं साला पहले दिन से ही इतना फोड़फाड़ मचा के मेहनत मारूंगा कि ये दिन मुझे दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। बट मैं कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग दैट आई पिक इट, बट नाउ व्हेन आई स्टार्ट समथिंग आई विल मेक श्योर मैं पहले दिन से उसको जी जान से करूंगा। बस ये एटीट्यूड चाहिए, काम हो जाएगा। तो जाइए पेपर फोड़ के आइए, बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर मैथन गो टीम। Do let us know as and when paper होता है आपका paper कैसा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसमें जाने से पहले ये भी बात कर लेते हैं सर 31st को है paper देखना चाहिए क्या? देख सकते हैं, कोई harm नहीं है उसमें, but उसके लिए anxiety create करना वो गलत है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप जो 2 साल से revise कर रहे हैं, जो 2 नहीं 3-3 attempts में revise कर चुके हैं, अब वो जाके भी paper में भूल जाते हैं। 26 तारीख को क्या हुआ उसका पेपर का याद रहेगा आपको अपने पेपर में। डज इट मेक सेंस? कॉन्फिडेंस खराब करती हैं ये चीजें। आपने जो पढ़ा है उसके बलबूते पे आप
जाइए पेपर करके आए, प्ले टू योर स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स में कहावत है ये, प्ले टू योर स्ट्रेंथ। बॉल पे अगर छक्का पड़ा है ना, पर मुझे पता है वो बॉल मेरी बेस्ट बॉल है जिस पे विकेट मिलती है, अच्छा बॉलर वही बॉल दोबारा डालेगा, बिकॉज बैट्समैन हो सकता है जब वो छक्का मारा है उसने वो तुक्के में लगाया उसे, आई विल स्टिल बॉल द सेम बॉल, दैट इज वॉट यू हैव टू डू। ठीक है, तो जाइए पेपर अच्छा करके आइए, और ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, पेपर फोड़ना है।